तो ये टेम्पर्ड ग्लास कटिंग मशीन है जिसके अंदर हम अपनी मर्जी का 5,000-6,000 डिफरेंट मॉडल्स हमारे पास स्टोर्ड हैं, उनमें जो भी मॉडल हम चूज करेंगे उसका हम टेम्पर्ड ग्लास बना सकते हैं। कैसे काम करती है मशीन? इसके अंदर लेजर कटिंग मशीन है जो जिसके लिए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है टेम्पर्ड ग्लास बनाने के लिए, इसके साथ मशीन के साथ आता है वो सॉफ्टवेयर, और जो भी हम मॉडल्स में चूज करते हैं और कमांड देते हैं तो ये जो लेजर हेड है ये उस कमांड के अकॉर्डिंग ये मूव करता है। नीचे एक शीट रखी होती है, इस शीट को नैनो शीट बोलते हैं। जो नैनो शीट होती है इसके इस मटेरियल की जो सारी प्रॉपर्टीज होती है कांच जैसी होती है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन कांच की तरह टूट नहीं जाती, राइट। तो दूसरा कांच वाला जो टेम्पर्ड ग्लास है वो इससे नहीं बना सकते। ओके, सो पहले इस मशीन को कैसे रन करते हैं आइए आपको दिखाते हैं। पहले सबसे पहले हम लैपटॉप के ऊपर देखते हैं कि इसका इंटरफेस कैसा होता है। इसमें आप देखिए ये जो वर्क एरिया है वो दिखाया है। इसके अंदर ये चार टेम्पर्ड ग्लास को हमने सेट किया है, और ये सेट करके उसके बाद हम इसको कमांड देंगे, राइट। फिर हम मशीन पे जाएंगे दोबारा, ये कमांड दी, ओके, ये आ गया इस पे स्टेप्स, ये हमने 20 स्टेप्स सेलेक्ट किया और लेजर को थोड़ा वहां पे उसके कॉर्नर के लिए सेटिंग करते हैं उस पे, और कट की कमांड दी और ओके किया, दैट्स ऑल। अब ये कटिंग शुरू कर दी मशीन ने। तो इतना सिंपल सा प्रोसेस है इस मशीन को रन करने का, कोई तो बहुत बड़ी टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, कोई भी इसको बड़ी सिंपली यूज कर सकता है यूजर, राइट। अभी देखिए कैसे कटिंग कर रही है। यस, अभी टेम्पर ग्लास बन गया, ये अब दूसरा टेम्पर ग्लास बना। इस तरह से चार टेम्पर ग्लास कटेंगे हम। अभी इसको मशीन को यहीं रोक के पहले आपको दिखा देता हूं मैं। एक ही कटने के बाद रोक के हमने ये मशीन बीच में रोकी है, और ये इसमें से बहुत सिंपली इसको निकाल के टेम्पर ग्लास बन गया। इसमें दो लेयर और होती हैं जो हम टेम्पर ग्लास बनाने के बाद निकाल देते हैं, वो उनका पर्पज सिर्फ इनको प्रोटेक्शन करना होता है। इसके अलावा दो लेयर है जो टेम्पर ग्लास आ जाती है, जो अभी मशीन में से ही निकला ये टेम्पर ग्लास, लेकिन इसको सेलेबल कंडीशन में जब हम बेचते हैं वो इस तरह से होती है सेलेबल कंडीशन, जिसमें कि ये आपकी एक पैकिंग हो गई, ये एक्सटर्नल पैकिंग है, फिर एक ही अंदर पन्नी बोलते हैं जिसको नॉर्मल भाषा में पन्नी है, और ये पैक करने से पहले इसके ऊपर ये स्टिकर लगाया जाता है, लेबल वन फ्रंट और बैक स्टिकर, ये और ये। सो हम सिर्फ मशीन नहीं बेच रहे, हम कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन बेच रहे हैं जिसमें हम रॉ मटेरियल, ये स्टिकर, ये पन्नी, ये पैकिंग, जो कुछ भी इसको इस बिजनेस में करने के लिए चाहिए वो टोटल सॉल्यूशन है हमारे पास। क्यों खरीदनी, जब आपसे कस्टमर बात करता है तो क्यों खरीदनी चाहिए मशीन, तो उसका सबसे बड़ा कारण है आज की डेट में 4 साल पहले से हम ये मशीन बेच रहे हैं। 4-5 साल पहले लोगों को इस मशीन पे वो नहीं था कॉन्फिडेंस, पहले 1.5 लाख रुपए की होती थी, और इस टाइम होलसेल का बिजनेस करने के लिए, रिटेल का बिजनेस करने के लिए कस्टमर को 200-300-400 वैरायटी मिनिमम रखनी पड़ती है टेम्पर्ड ग्लास, राइट। और उसमें इतना डेड स्टॉक हो जाता है पता भी नहीं चलता उनको, और इतनी सारी इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए बहुत बड़ा स्पेस चाहिए होता है, और जब वो मार्जिन बहुत कम हो चुके हैं पता भी नहीं चलता कब वो डेड स्टॉक इकट्ठा हो क्यों मार्जिन सारे बराबर भी रहे, मतलब है ये चैलेंजेस हैं इस बिजनेस के अंदर, उन सारे चैलेंजेस का ये सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन क्या है कि ये मशीन 65,000 इवन 45,000 की भी होती है अच्छी क्वालिटी की, 65,000 से स्टार्ट होकर 1.5-2 लाख रुपये तक की अलग अलग साइज की मशीन आती है। इतने से कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से उसको स्टॉक रखना पड़ता है, तो स्टॉक रखने के बाद फिर भी वैरायटी वो पूरी नहीं कर पाते, और जो उसका कस्टमर है वो आते तब है अगर उनको वैरायटी पूरी हो। इसके अंदर क्या है कि आप 5,000 मॉडल्स का जो होलसेलर है अपने कस्टमर को या रिटेलर है अपने कस्टमर 5,000 मॉडल में कुछ भी ऑफर कर सकते हैं। जो ऑनलाइन का बिजनेस कर रहे हैं 5,000 मॉडल्स की लिस्टिंग कर 5,000-6,000 जो भी मतलब ऐड होते जाते हैं
जो ऑनलाइन सेलर है वो लिस्टिंग कर सकता है बिना इन्वेंट्री रखे। कहने का मतलब ये है कि जीरो इन्वेंट्री के साथ बिजनेस किया जा सकता है। आज की डेट में जीरो इन्वेंट्री का बिजनेस करना एक लेटेस्ट वो ट्रेंड है, मतलब जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हैं जीरो इन्वेंट्री के साथ चलते हैं, राइट। इसके अलावा जीरो इन्वेंट्री के अलावा सबसे बड़ी बात है कि बहुत कम स्पेस, इतना बड़ा स्पेस भी लेने की जरूरत नहीं, थोड़े से स्पेस के अंदर इवन रिटेलर भी चाहे तो वो भी लगा सकता है मशीन, मतलब जिसके पास होल सेलर डेली टच में नहीं आते, एक रिटेलर भी चाहे इस मशीन को लगा के बहुत अच्छी इनकम आ सकती है। और सबसे बड़ी बात, जब आप वैरायटी रखते हैं तो सिर्फ गिने चुने जो 200-400 मॉडल है वो एक ही टाइप सिर्फ टेम्पर्ड ग्लास रखते हैं। इसके अंदर चार अलग अलग टाइप के टेम्पर्ड ग्लास, एक प्राइवेसी शीट आती है, मतलब जितनी टाइप की शीट आती जाएंगी उतने टाइप के टेम्पर्ड। तो 5,000 को अगर आज की इसमें चार टाइप की शीट आती है तो 4 से गुणा कर दो, मतलब 20,000 टाइप के टेम्पर्ड ग्लास की ऑप्शन है। आप मीन्स प्राइवेसी हो गई, आपका वो एंटी यूवी, आजकल यूवी सारा दिन आंखों के ऊपर ही मोबाइल की स्क्रीन का जो यूवी रेडिएशन आते रहते हैं उसके कारण लोग बहुत कंसर्न है, ऑनलाइन खूब यूवी वाला जो टेम्पर्ड ग्लास बिकता है। प्राइवेसी वाले में ये लोगों को प्राइवेसी चाहिए, अपना काम जो कोई मोबाइल देख रहा है लेफ्ट वाला भी नहीं देख सकता उसमें, राइट वाला भी नहीं देख सकता, तो प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एज वाले फोन आ रहे हैं।